इस फैक्ट्री में डेनिम फैब्रिक करीब 100 से 130 मीटर के रोल्स में आता है। क्योंकि रोल्स पर कपड़ा बहुत टाइट खींचकर चढ़ाया होता है, इसीलिए फैब्रिक को अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए कपड़े को रोल से उतारकर करीब 8 घंटे के लिए रैक्स पर रिलैक्सेशन के लिए रखते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रोल से डायरेक्टली कपड़े को काटा और सिला तो कपड़ा बाद में श्रिंक हो जाएगा और हमें करेक्ट साइज की जीन्स नहीं मिलेगी। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक्चुअल फैब्रिक की लेंथ और विड्थ के प्रोपोर्शन में कंप्यूटर पर एक लेआउट तैयार किया जाता है। करीब 6 अलग अलग साइज की जीन्स के पार्ट्स एक लेआउट पर पोजीशन किए जाते हैं। लेआउट फाइनल होने के बाद एक पेपर शीट पर प्रिंट आउट निकाला जाता है, जिसे प्लॉटर शीट कहते हैं। हैंड कटिंग मशीन से वर्कर जीन्स के सभी पार्ट्स कपड़े से काट लेता है। इस जीन्स के डिजाइन में टोटल 18 पार्ट्स हैं। साइज के हिसाब से सभी पार्ट्स की बंडलिंग और लेबलिंग की जाती है। जीन्स के वेस्ट बैंड को स्टिफनेस देने के लिए एक मशीन में फैब्रिक को बैंड के बीच में चिपकाया जाता है। कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन से बैक पॉकेट पर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। अब बारी है सिलाई की। जीन्स के सभी हिस्सों को अलग से सिल के एंड में जोड़ा जाएगा। सबसे पहले बनाएंगे जीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्लाई। फ्लाई के बाद बन रही है कॉइन पॉकेट, जिसको शेप देकर कपड़े के पीस पर सिल देते हैं। जीन्स के फ्रंट पर फ्रंट फेसिंग पॉकेट लगाई जाती है। अब फ्रंट पर जिपर फ्लाई अटैच की जाती है। फिर जीन्स के दोनों लेफ्ट और राइट फ्रंट को साथ सिल दिया। बैक पॉकेट को मशीन से प्रेस करके एक स्टेंसिल की मदद से ऑटोमेटिकली जीन्स के बैक हिस्से पर सिल दिया जाता है। और लेफ्ट और राइट बैक हिस्सों को भी साथ में सिल दिया जाता है। अब फ्रंट और बैक दोनों के अंदर से इनसीम स्टिचिंग करी जाती है, इससे जीन्स की लेंथ सही तरीके से मेंटेन रहती है। वेस्ट बैंड को अब जीन्स के साथ सिल देते हैं। और एक मशीन ऑटोमेटिकली बेल्ट लगाने के लिए लूप सिल देती है। अब जीन्स की स्टिचिंग हो गई है पूरी। सक्शन की मदद से अब ये मशीन जीन्स को सीधा कर देती है। फाइनली अब जीन्स को उसका फैशनेबल फेडेड वॉर्न आउट लुक दिया जाएगा। मशीन में जीन्स को फेडेड इफेक्ट देने के लिए पहले से डिजाइन सेट किया हुआ है और फेडिंग शुरू। देखते ही देखते लेजर की मदद से यहां जीन्स को फेडेड इफेक्ट दे दिया। अब वर्कर्स जीन्स को चोटी की तरह टाइट बांधकर एक इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन में वॉश के लिए डाल देते हैं।
यहाँ स्टोन एंजाइम और ब्लीच से जीन्स की धुलाई होती है जिससे फैब्रिक सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद जीन्स को ड्रायर में सुखाते हैं। अब जीन्स पर रिवेट्स और बटन्स लगाए जाते हैं जो जीन्स के जॉइंट्स को मजबूती के साथ एक यूनिक स्टाइल भी देती हैं। रिवेट्स के बिना जीन्स अधूरी है। और पैकिंग के बाद ये जीन्स आपके पास पहुंचने के लिए एकदम तैयार हैं।